वेलकम माय यूट्यूब चैनल के जी आर टेक्निकल फर्नीचर में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें कि हम यहाँ 6000 का दीवान तैयार कर रहे हैं। तो इस दीवान में कौन कौन सी प्लाई लगेगी, कौन सा बोर्ड लगेगा और कौन सी लकड़ी हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना कितना इसमें खर्चा आया है वो भी। सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो हमारा 8000 का बोर्ड है 19mm का वो लगा रहे हैं। फिर हमारा 6000 की प्लाई है 12mm की वो लगा रहे हैं और तीसरा हमारा 6mm की प्लाई है। तो हमें दीवान बेड के लिए सबसे पहले जो तीन बोर्ड चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम जो है सपोर्ट के लिए लकड़ी ले रहे हैं, उस सपोर्ट की लकड़ी का साइज है 2x1 का और 4 फुट लंबी है। और ये तो आपको पावे तो सब वही बता सकते हैं, 4 पावे लगते हैं ठीक है। और ये हमारी 1x1 के बोले हैं जिससे कि हमारी सबसे ऊपर की प्लाई है वो रुकेगी। और एक हमारी 8x4 की माइका है जो कि मैं आपको सबसे बाद में से चिपका के दिखी। तो और जो हमारे न्यू कारपेंटर भाई है उनके लिए मैं आज ये बताने वाला हूँ कि 8x4 के बोर्ड में से हम दीवान बेड की ये फट्टे कैसे चीरें। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें 1 15 इंची का पूरा पार्टीशन निकाल देंगे। आठ चार के बोर्ड में से पहले 15 इंची का हमने पीस चीर लिया है पूरा, तो इसमें से हम 20 सेंटीमीटर में चीर देंगे। तो इसमें हम पहले से 6 फुट काट लेंगे पूरे। 1 8x4 के बोर्ड में से ये 2x2.5 का पीस जरूर बचेगा। हमारा ये हमारा जो ये काम का पीस है इसमें से हम अपने वही 15 15 इंची के पीस 2 निकाल लेंगे। दोस्तों हमारे 8x4 के बोर्ड में से 4 पार्टीशन हमारे जो दीवान बैठ गया वो तैयार हो चुके हैं। छोड़ने के बाद में 1 सपोर्ट यहाँ पर, मतलब हर 1 फुट पे हमें 1 सपोर्ट लेनी है। तो कितनी सपोर्ट आ रही है हमारी, 1 2 4 5 6 कुल हमारी 7 सपोर्ट इसमें दीवार में। हाँ we
मसाला ही डालेंगे। अच्छे,